डियर फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है अभी समर सीजन आ गया है, तो एक कंफर्टेबल नींद के लिए एंड घर को कूल रखने के लिए हमको एक एयर कूलर का जरूरत पड़ता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक एयर कूलर परचेस करने के लिए, देन आप केनस्टार ZSC51 मॉडल ले सकते हैं, जिसमें आपको 31.8 सेंटीमीटर का लार्ज फैन साइज मिलता है। उसके साथ साथ इसका बेस्ट एयर थ्रो जो है वो 10.7 मीटर का है। तो आज ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ केनस्टार ZSC51 कूलर, जिसका आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कूलर का बॉक्स पैक में आपको सभी डिटेल स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आप स्क्रीन में इसका डिटेल्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें आपको 3000 मीटर क्यूब पर आवर का एयर डिलीवरी मिलता है, कोलैप्सेबल लवर्स मिलता है, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी है ये, थ्री साइड में आपको हनीकम का कूलिंग पैड्स मिल जाता है, ये 170 वाट्स का पावर कंज्यूम करता है एंड इसका हाइट जो है वो 3.1 फीट का है। इसमें आपको कैस्टर्स का व्हील्स मिल जाता है। तो क्विकली अभी इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो ये प्रॉपरली सील पैक होके आपको मिलता है, तो यहां से मैं ओपन कर देता हूं। तो ये कूलर आपको बहुत ही वेल पैकिंग में मिलता है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कूलर, इसका प्लास्टिक को मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ से कूलर का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल ये दिखता है। जैसे ये जगह में केनस्टार का बेजिंग दिया गया है, ये उसका कोलैप्सेबल लॉवर्स है जिसको आप मैन्युअली अप डाउन कर सकते हैं। एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो ये उसका वाटर टैंक है एंड टैंक इंडिकेटर ये है, यहाँ से आप जान सकते हैं टैंक में कितना पानी है। एंड इसका अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये जगह में आपको हनीकम पैड मिल जाता है एंड बैक साइड देखेंगे तो ये जगह में भी आपको हनीकम पैड मिल जाता है, ये जगह से आप वाटर फिल कर सकते हैं। एंड नीचे ड्रेनेज का लीड दिया गया है, यहाँ से पानी आप ड्रेन कर सकते हैं। एंड ये उसका राइट साइड है, राइट साइड में आपको पावर कॉर्ड मिल जाता है। तो इसका पावर कॉर्ड जो है ये अप्रोक्सीमेट 2 मीटर का है एंड इसमें आपको 2 पिन मिलता है, इंडियन कोई भी सॉकेट में आप इसको लगा सकते हैं। एंड ये जगह में ओवरफ्लो का होल दिया गया है, अगर टैंक में ज्यादा पानी हो गया तो यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। एंड नीचे देखेंगे तो आपको कोस्टर व्हील्स मिलता है, इजीली आप 360 डिग्री में इसे मूव कर सकते हैं। कूलर को कंट्रोल करने के लिए आपको ऊपर की तरफ 2 फिजिकल नॉब मिलता है, एक स्पीड के लिए है, एक फंक्शन के लिए है। स्पीड का जो नॉब है इसके थ्रू में आप फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसका स्पीड को हाई कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। सेकेंड जो नॉब है ये फंक्शन के लिए है, इसमें आप स्विंग एंड कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑफ है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड है स्विंग, जैसे कि इसमें आपको ऑटो स्विंग लॉवर्स मिलता है तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जगह में अगर सेट करते हैं तो ओनली ये स्विंग होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर आप सेट करते हैं तो कूलिंग एंड स्विंग दोनों होगा। एंड लास्ट में अगर सेट करते हैं तो ओनली कूलिंग होगा। अगर आप इसको कूलिंग में सेट करते हैं देन इसका मोटर जो है वो ऑन होता है। तो कूलर में जब आप पानी भरने जाएंगे तो ये जगह से आप पानी भर सकते हैं। अगर आप कोई भी मग से पानी भरना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या अगर डायरेक्ट पाइप लगा के भी पानी भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी भर के आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपको कोई भी मग से ऐसे पानी डाल देना है इसके अंदर। अगर आप डायरेक्ट पाइप भी लगा देते हैं तो बहुत जल्दी आप पानी भर सकते हैं। तो इसमें आप 51 लीटर का पानी भर सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है देन ये ओवरफ्लो का जो होल दिया गया है यहाँ से पानी जो है बाहर आ जाता है। अगर लंबा टाइम तक कूलर को आपको यूज़ नहीं करना है तो ये जो लीड है बैक साइड में ड्रेनेज लीड, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे ही आप निकाल देंगे पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पानी यहाँ से आप ड्रेन कर सकते हैं एंड उसके बाद कूलर को कोई भी जगह में प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आप देख सकते हैं उसका वाटर इंडिकेटर जो है यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो मैं इसमें लगभग 30% पानी भरा हूँ। पानी भरने के बाद भी आप देख सकते हैं इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इसका जो कोस्टर व्हील दिया गया है ये 360 डिग्री मूवेबल है, तो इजीली कूलर को आप पानी भरने के बाद एक जगह से दूसरा जगह को मूव भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोलैप्सेबल लॉवर्स को ऊपर नीचे करना है तो ऐसे हाथ में करेंगे तो इजीली ये हो जाएगा। आपको कभी भी सिंगल ऐसे नहीं करना है, तो हमेशा ऐसे आपको मूव करना है। तो ये मैन्युअली अप एंड डाउन होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैन्युअली ऐसे आप अप डाउन कर सकते हैं। तो जब भी आपको यूज़ नहीं करना है देन इसको आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऑन कर देते हैं।
तो पहले जैसे मूव करेंगे तो ये हाई स्पीड पे चलता है, तो यहाँ से अभी ये चालू हो गया। सेकंड जो है ये मीडियम स्पीड है एंड लास्ट में जो है ये लो स्पीड है। तो राइट साइड में जो फंक्शन है, अगर यहाँ पे हम इसको मूव कर देते हैं देन ये स्विंग होना चालू हो जाता है। जैसे अंदर का अभी आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक स्विंग हो रहा है एंड इसका एंगल भी काफ़ी अच्छा है, घर का हर कोना तक यहाँ से ठंडक पहुँच जाता है। तो नेक्स्ट जब मूव करते हैं तो स्विंग प्लस मोटर जो है ऑन हो जाता है एंड साइड वाइज भी देखेंगे तो आपको हनीकम पैड जो है वो भीगा हुआ दिखेगा। तो लास्ट में जो ऑप्शन मिलता है ओनली कूलिंग के लिए है, वहाँ पे स्विंग नहीं होता है, ओनली कूलिंग होता है। तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये फंक्शन नॉब को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फैन का क्लोज लुक देख सकते हैं, आपको 31.8 सेंटीमीटर का फैन मिलता है। तो यहाँ से आप कूलर का हाइट अंदाज लगा सकते हैं, जैसे कि ये 3.1 फीट का है। अगर आप इसको बेडरूम में लगाते हैं या कोई भी रूम में लगाते हैं जहाँ पे बेड है तो इसका फैन जो है बेड के ऊपर का साइज तक आ जाएगा। तो आराम से आप ये कूलर को कोई भी रूम में लगा सकते हैं। तो ये कूलर का एयर डिलीवरी बहुत ही परफेक्ट है एंड इसका स्विंग जब आप ऑन कर देंगे देन रूम का कोई भी जगह में आप बैठे हैं वहाँ तक हवा आराम से पहुँच जाता है। कुछ टाइम अगर आप इसको ऑन करके बैठते हैं देन आपको लगेगा कि ये प्रॉपर कूलिंग देता है। ये कूलर में आपको 3000 मीटर के ऊपर आवर का एयर डिलीवरी मिलता है। आप एक लार्ज साइज का लिविंग रूम में भी इसको लगाएंगे तो भी सभी कोना तक ठंडा हवा ये पहुंचा देता है। इसको लार्ज साइज का बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। जब मर्जी आप इसका स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका मोटर को ऑन कर सकते हैं या स्विंग को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर ये कूलर को आप आपका लार्ज साइज का बैल्कनी या लॉन में यूज़ करना चाहते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको प्रॉपर कूलिंग दे देता है। कंपनी ये कूलर का डिज़ाइन को बहुत ही बेहतर बनाया है, जैसे कि ये हनीकम पैड यहाँ पे दिया गया है तो उसके नीचे एक छोटा सा ट्रे दिया गया है। तो मैक्सिमम कूलर वगैरह में आप देखेंगे जो कि पानी ज़्यादा बाहर फेंकता है तो उस सिचुएशन में ये ट्रे के माध्यम से ये अंदर चला जाएगा तो पानी जो है बाहर बहेगा नहीं या बाहर पानी फेंकेगा नहीं। तो मैक्सिमम कूलर भी आप मार्केट में देखेंगे तो उसका सामने की तरफ से भी पानी ज़्यादा थ्रो करता है, बट ये कूलर में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एरिया में करंट ज़्यादातर फ्लक्चुएट होता रहता है या पावर आउटेज होता है तो भी ये कूलर को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इन्वर्टर पॉइंट में भी आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम ये कूलर का फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। जितना मैं इसको टेस्ट करके देखा इसका एयर डिलीवर ज़बरदस्त है। इसको आप कोई भी रूम में लगा सकते हैं, लिविंग रूम में लगा सकते हैं, बेडरूम में भी लगा सकते हैं। अगर आपको इसको बैल्कनी में लगाना है, लॉन वगैरह में लगाना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए परफेक्ट है एंड सबसे मुझे अच्छा लगा कि ये इन्वर्टर कंपैटिबल है। ये ओनली 170 वाट का है। तो अभी हम इसका वारंटी के बारे में बात करते हैं। कंपनी इसमें आपको 1 ईयर का ब्रांड वारंटी देता है। तो ये आपको वेरियस आउटलेट में डिस्काउंट प्राइस एंड ऑफर में मिल जाता है। तो मैं इसका प्रोडक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाके इसका करंट डेट का प्राइस आप जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून।